press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. मोटू लाला में आप लोगों का स्वागत है मित्रों। 2018 नए वर्ष की दस्तक दे रहा है और अब हम आपको 2018 में कन्या राशि का वार्षिक भविष्यफल की जानकारी देंगे। साथ ही साथ हम आपको एक अचूक उपाय भी बताएंगे जिसे करने से आप अपने साल को सफल बना सकते हैं और सभी चीजों को आसानी से पा सकते हैं। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए यह साल थोड़ा सा ढीला रहेगा। आप जीतोड़ मेहनत व परिश्रम करेंगे परंतु परिणामों के मामले में कुछ ढिलाई रहेगी। शनि की ढैया का प्रभाव इस वर्ष आपकी राशि पर है। वर्ष पर्यंत छोटी मोटी स्वास्थ्य की समस्याएं चलती रहेंगी। इस वर्ष उदर विकार, पेट से संबंधित व्याधि, हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, मधुमेह यानी कि डायबिटीज जैसी बीमारियां परेशान किए रहेंगी। इस वर्ष आप शारीरिक व्यायाम, योग, प्राणायाम व औषधि का बराबर ध्यान रखें। दीर्घकालिक बीमारियों जैसे हृदय रोग, रक्तचाप, प्रमेह आदि रोगों, वैकल्पिक चिकित्सा, आयुर्वेद, होम्योपैथ, एक्यूपंचर जैसी चिकित्सा पद्धतियों से लाभ की संभावना है। व्यापार में आप उतरी हुई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए खूब मेहनत व प्रयास करेंगे। शनि चूंकि चौथे भाव में भ्रमणशील है अतः किसी को भी रुपया उधार नहीं दें, अन्यथा आपका पैसा डूब जाएगा। व्यापार में विश्वासी आपके लिए घातक रहेगा। नौकरी में नई संभावना और नए अवसर को तलाशेंगे। नौकरी में आपका अनुभव आपके लिए खास मायने रखेगा। नौकरी, करियर व आजीविका में को पूरा करने का दबाव आप पर बना रहेगा। इस वर्ष देवगुरु बृहस्पति भी आपकी राशि से दूसरे स्थान में चलायमान है, अतः पैसा आएगा परंतु जितनी तेजी से आएगा उतनी ही तेजी से खर्च भी हो जाएगा। विद्यार्थी इस वर्ष जमकर मेहनत करेंगे। मेहनत व परिश्रम से आपको इस साल विद्या अध्ययन में महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। इस वर्ष व्यापार व कारोबार में दिल की बजाय दिमाग से निर्णय लें। भावुकता में आकर आपसे गलत निर्णय हो सकता है। शत्रु इस वर्ष हावी रहेंगे, आपको नुकसान पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे परंतु आपका अहित नहीं कर पाएंगे। बॉस व अधिकारियों से संबंधों में मधुरता तो रहेगी परंतु वे आपका कोई खास भला नहीं करेंगे। नया अनुबंधन या करार आप करना चाहेंगे लेकिन बात बनती हुई नहीं दिखलाई पड़ेगी। योग्यता व काबिलियत के मामले में आप ऊंचे पायदान पर रहेंगे परंतु उसका यथोचित लाभ नहीं मिल पाएगा। पारिवारिक सुख शांति के लिहाज से यह वर्ष काफी महत्वपूर्ण है। हर मुश्किल स्थिति परिस्थिति में आप जीवन साथी व परिवार के सभी सदस्यों को अपने साथ खड़ा पाएंगे। चौथे स्थान में सूर्य और शनि की युति वर्षारंभ में है। चल व अचल संपत्ति, गाड़ी, बंगला, भूमि, भवन आदि खरीदने का यदि आप मन बना रहे हैं तो उसके कागजातों को भली प्रकार से परीक्षण करें, उसमें धोखाधड़ी की संभावना है। फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखें। आय व आमदनी बढ़ाना आपके वश में इस वर्ष नहीं है परंतु अपने खर्चों को नियंत्रित करके आप आर्थिक संतुलन बनाए रख सकते हैं। वाहन इस वर्ष सावधानी पूर्वक चलाएं। विभागीय परीक्षा, नौकरी से संबंधित प्रतियोगी परीक्षा व कैरियर ओरिएंटेड परीक्षा में इस वर्ष सफलता मिल जाएगी। हालांकि इंटरव्यू, साक्षात्कार आदि में आप पिछड़ सकते हैं। आत्मविश्वास डामाडोल रहेगा। कम्युनिकेशन और व्यक्तित्व निखार की आपको बराबर ट्रेनिंग लेनी चाहिए। भागीदार व कर्मचारी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करें। व्यावसायिक प्रतिद्वंदी व प्रतिस्पर्धा आपके सामने मुश्किल लक्ष्य रख देंगे तथा येन केन प्रकारेण आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। आपके लिए कोई अफवाह बदनामी कर सकते हैं। यात्राएं इस साल काफी रहेंगी परंतु यात्राएं निरर्थक सी ही रहेंगी। इस वर्ष आप किसी गुप्त योजना, साजिश या षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं। धन हानि की संभावना है। आर्थिक कश्मकश वर्ष पर्यंत बनी रहेगी। तो मित्रों अब बात करते हैं आपके शारीरिक सुख एवं स्वास्थ्य की। इस वर्ष शारीरिक स्वास्थ्य डामाडोल रहेगा। चौथा स्थान में शनि की स्थिति के कारण शनि की ढैया का इस वर्ष प्रभाव है, अतः स्वास्थ्य परेशानियां वर्ष पर्यंत चलेंगी। लापरवाही से समस्या गंभीर व घातक हो सकती है। अप्रैल से सितंबर के मध्य शनि वक्र गति से चलायमान रहेंगे। इस दौरान बीमारी गंभीर व घातक रूप ले सकती है। मौसमी बीमारियां सर्दी, खांसी, जुकाम, पेट दर्द, बुखार आदि से परेशानी वर्ष पर्यंत रहेगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव भी आपकी चिंता का कारण बनेगा। परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। बार बार अस्पताल के चक्कर काट कर आप भी परेशान हो जाएंगे। इस वर्ष योग, शारीरिक व्यायाम, खान पान, नियमित दिनचर्या, व्यवस्थित जीवन तथा नियमित हेल्थ चेकअप से आप गंभीर कष्ट से मुक्ति पा सकते हैं। मित्रों अब बात करते हैं व्यापार, व्यवसाय व धन की। इस वर्ष भाग्य आपके लिए ज्यादा अनुकूल नहीं है। व्यापार व कामकाज में आप परिश्रम खूब करेंगे परंतु परिणाम इतना सार्थक नहीं निकलेगा। इस वर्ष किसी परिचित के माध्यम से व्यापार में आपको बड़ा ऑर्डर प्राप्त होगा लेकिन पेमेंट फंस जाएगी। व्यापार में नए नए अनुबंधन व करार करने के लिए प्रयासरत रहेंगे लेकिन हो तो
तो नहीं पाएंगे। व्यापार में विस्तार की योजना आप इस वर्ष बनाएंगे, लेकिन साधनों के अभाव व धन अभाव के कारण योजना कागजों में ही अटक कर रह जाएगी, कार्य रूप में परिणत नहीं हो पाएगी। व्यावसायिक प्रतिद्वंदी व प्रतिस्पर्धी इस वर्ष आपसे काफी आगे निकल जाएंगे। इस वर्ष व्यापार में किसी पर भरोसा नहीं करें, भुगतान के प्रति आश्वस्त होने पर ही माल व ऑर्डर रवाना करें। उधार किसी को नहीं दें, अन्यथा वापस निकलवाने में आपको भयंकर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अप्रैल से सितंबर के मध्य शनि वक्र गति में चलायमान रहेंगे। इस समय शत्रु षड्यंत्रवश आपके साथ कोई चोट कर सकते हैं। आयकर, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स आदि कोई राजकीय परेशानी इस वर्ष खड़ी हो सकती है। किसी भी कागज को अच्छी तरह से पढ़ें, तभी हस्ताक्षर करें। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय के प्रभाव व परिणाम ठीक नहीं रहेंगे। काम को इस वर्ष यदि आप जुनून की तरह करेंगे तो ही अपने नुकसान को कम कर पाएंगे। रियल एस्टेट, भूमि, भवन व ठेकेदारी से जुड़े जातकों के लिए समय ठीक नहीं है। जहां तक धन की बात है, पैसा संचय नहीं हो पाएगा। पैसा आने से पहले जाने का रास्ता तैयार रहेगा। बैंक बैलेंस नहीं बनेगा। सरकारी नीतियों के कारण भी व्यापार में परेशानियां आएंगी। इस वर्ष संपत्ति के रखरखाव पर खर्चा होगा। भूमि, भवन, वाहन आदि के रखरखाव पर खर्च की स्थिति रहेगी। संपत्ति संबंधी विवाद भी हो सकता है, जिसके चलते आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। मित्रों, अब बात करते हैं घर, परिवार, संतान व रिश्तेदारों की। पारिवारिक दृष्टि से यह वर्ष अच्छा रहेगा। पुत्र संतान को लेकर चिंता की स्थिति रहेगी। हालांकि परिवार के सदस्य इस मुश्किल घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। संतान का व्यवहार, आदतें, सोहबत आदि का ध्यान रखें। दाम्पत्य संबंधों में यदा कदा तनाव हो सकता है। आपसी सूझबूझ व सामंजस्य से आप स्थितियों को संभाल ही लेंगे। भाइयों से इस वर्ष संपत्ति के बंटवारे संबंधी विवाद उत्पन्न हो सकता है। बच्चों के कैरियर, भविष्य, शादी आदि की योजना बनाएंगे। घर में किसी बुजुर्ग या वरिष्ठ सदस्य का स्वास्थ्य बार बार गड़बड़ होगा, जिसके कारण आपको अस्पताल जाना पड़ सकता है। बीमारी पर खर्च भी हो सकता है। अक्टूबर तक गुरु दूसरे स्थान में है, अतः इस वर्ष परिवार में किसी नन्हे सदस्य के आगमन की गूंज सुनाई दे सकती है। बड़े बुजुर्गों व परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का आशीष व स्नेह प्राप्त होगा। माता पिता की दुआएं आपकी उन्नति में सहायक होगी। मित्रों, अब बात करते हैं आपके पढ़ाई व कैरियर की। मेहनत और परिश्रम से आप इस वर्ष सफलता हासिल कर लेंगे। पूरी तरह से एकाग्रचित होकर लक्ष्य प्राप्ति में जुट जाएं। कैरियर व नौकरी में कदम कदम पर सावधानी की आवश्यकता है। छोटी से छोटी लापरवाही के घातक परिणाम हो सकते हैं। बॉस व अधिकारी की नाराजगी व डांट फटकार इस वर्ष आपको सुननी पड़ सकती है। सहकर्मी जरूर आपके काम में सहयोग करेंगे। अगर आप तकनीकी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक आदि विषय को लेकर प्रयासरत हैं, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। नित्य ध्यान करें, मुश्किलों व परेशानियों से घबराएं नहीं। आपके अंदर जो काबिलियत या हुनर छिपा है, उसे लोगों के सामने लेकर आएं। शनि की ढैया का प्रभाव आपकी राशि पर है, अतः शनि शांति के उपाय करें। नौकरी में दूसरे अवसरों को भी आप तलाशेंगे। लक्ष्य के प्रति समर्पण व एकाग्रचितता मूल मंत्र होगा। मित्रों, अब बात करते हैं प्रेम प्रसंग व मित्रों की। प्रेम प्रसंग व संबंधों के लिहाज से यह वर्ष उत्तम नहीं है। प्रेम प्रसंगों में पढ़कर इस वर्ष आप अपने कैरियर व अध्ययन के साथ समझौता कर सकते हैं। इस वर्ष प्रेम प्रसंग उजागर होने का भी खतरा बना हुआ है, जिस कारण से परिवार में अशांति का वातावरण रह सकता है। पारिवारिक जीवन में व प्रेम संबंधों में तालमेल बनाना इस वर्ष सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। मित्र को मुसीबत या परेशानी में देखकर आप भावुक हो जाएंगे, मित्र की तरफ मदद का हाथ बढ़ाएंगे। अमर्यादित या असंयमित प्रेम संबंध सीधा ही मुसीबत को निमंत्रण है, अतः मर्यादाओं और सीमा का ध्यान रखें। मित्रों, अब बात करते हैं वाहन खर्च व शुभ कार्यों की। बार बार वाहन खराब होने की समस्या से आप समस्याग्रस्त रहेंगे। चौथे भाव में शनि का परिभ्रमण वाहन द्वारा परेशानी की स्थिति को दर्शा रहा है। समय समय पर वाहन का रखरखाव करवाते रहें। फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखें। अपना कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी को नहीं दें, अन्यथा उसका दुरुपयोग हो सकता है। ऑनलाइन खरीदारी के चक्कर में गलत चीज आपके पल्ले पड़ सकती है। जहां तक शुभ कार्य की बात है, इस वर्ष शुभ कार्य की संभावना नहीं है। वर्ष के मध्य में घर में किसी नए व नन्हे मेहमान का आगमन हो सकता है। भाई बहन की सगाई, विवाह से संबंधित कार्य की स्थिति रह सकती है। मित्रों, अब बात करते हैं हानि, कर्ज व अनहोनी की। इस वर्ष किसी रिश्तेदार या संबंधी के साथ कोई अनहोनी घटना घटित हो सकती है। व्यापार में हानि होगी। व्यापार में मशीनरी खराब होने की संभावना है। कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी खराब हो सकता है, जिसके चलते आपका प्रोडक्शन प्रभावित होगा। कामकाज में विस्तार या चलाने के लिए आपको ऋण लेना पड़ सकता है। जहां तक अनहोनी या अप्रिय घटना की बात है, घर के किसी वरिष्ठ या बुजुर्ग सदस्य के साथ कोई अनहोनी घटना घटित हो सकती है। अपनी चीजों को संभाल कर रखें, अन्यथा चोरी होने या गुम होने का खतरा बना हुआ है। मित्रों, अब बात करते हैं आपके इस वर्ष की यात्राओं की। इस वर्ष यात्राओं पर तो जोर रहेगा, परंतु यात्राओं से हासिल कुछ खास कर नहीं पाएंगे। यात्राएं
सार्थक व अनुपयोगी साबित होंगी। यात्राओं में हल्की फुल्की स्वास्थ्य की समस्याएं भी रहेंगी। मित्रों, अब बात करते हैं आपके अचूक उपाय की, जिसे करने से सफलता कदम चूमेगी। तो वो उपाय है, वर्ष की शुभता में वृद्धि करने के लिए शनि मुद्रा का धारण करें, शनि शांति के उपाय करें। शनि की ढैया का प्रभाव है। 4, 4:15, 4:30 रत्ती का पन्ना रत्न बुध यंत्र में जड़वाकर गले में धारण करें। ओम गं गणपतये नमः मंत्र का नियमित जाप भी आपके भाग्य में वृद्धि कराएगा। तुलसी के पौधे को नित्य सींचे यानी कि जल दें। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ मैंने आपको उचित जानकारी दी होगी। देखते रहिए मोटू लाला, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने मित्रों का ज्ञान बढ़ाइए। और देखते रहिए मोटू लाला। अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।